तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F15 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके फोन में हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले फोन को एक बार ना रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन का ये जो फाइल का ऐप होता है इसे ओपन करना है, फाइल के ऐप को, ठीक है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको है ना नीचे की साइड में स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको इसे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, ठीक है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो एंड्रॉइड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसके नीचे आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अंदर भी आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर भी आपको इसे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाता है, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ना ये ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन का जो डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।